नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम पीयूष वात्सल, आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है जबकि वो तो ईस्ट में है। कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों के मन में सवाल घूमता होगा कि आखिर वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है जबकि वो तो इंडिया के ईस्ट में आता है। तो कई सारे लोगों को इसका पीछे का रीज़न पता है, कईयों को नहीं पता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि वेस्ट बंगाल आखिर वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है जबकि वो तो ईस्ट में है। दोस्तों, हम लोगों को ये सब चीज़ जानने के लिए सबसे पहले जाना होगा हिस्ट्री में। तो चलिए चलते हैं। तो हिस्ट्री में जाना है तो हमें ब्रिटिश काल में जाना पड़ेगा, ब्रिटिश पीरियड में जाना पड़ेगा। ब्रिटिश पीरियड में एज यू ऑल नो पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन का बेसिस था हिंदू एंड मुस्लिम्स को अलग अलग करना, जिसके अंदर क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो वेस्ट रीजन था वो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया और जो बंगाल रीजन था वो पहले से ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था ईस्ट बंगाल, एक था वेस्ट बंगाल। तो क्या हुआ, ईस्ट बंगाल जो था वो भी इंडिया से अलग हो गया क्योंकि उधर मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, तो इस वजह से वो इंडिया से अलग हो गया। तो क्या हुआ कि दो कंट्रीज साइड में अलग अलग हो गई। एक को बोला जाने लगा, जो ईस्ट बंगाल वाला रीजन था उसे बोला जाने लगा ईस्ट पाकिस्तान, और जो वेस्टर्न रीजन था उसे बोला जाने लगा वेस्ट पाकिस्तान। तो अब क्या हुआ, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए लैंग्वेज बैरियर को लेकर के, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में एक वॉर हो गई जिसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान जो था वो उसने इंडिया से मदद मांगी और कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो इंडिया ने उसकी मदद करी और उसे एक तरह से बोला जा सकता है आज़ाद कराया। तो आज़ाद कराने के बाद में ईस्ट पाकिस्तान ने अपना नाम बदल के कर लिया बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान ने अपना नाम बदल के कर लिया पाकिस्तान। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट पे। दोस्तों, जो तो प्रेजेंट सिनेरियो है, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि बंगाल के टू रीजन्स थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्ट बंगाल था वो तो आज बदल के आज की डेट में हो चुका है बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल अभी भी इंडिया में ही है। तो अभी इसका नाम चेंज नहीं किया गया है, बीच में चला था कुछ इसका नाम चेंज करने का, बाकी नहीं किया गया, अभी तक भी नाम चेंज इसका नहीं किया गया है। आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या पता इसका नाम बंगाल हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त इसका नाम वेस्ट बंगाल ही है। वो हिस्ट्री से चला आ रहा है, इस वजह से इसका नाम वेस्ट बंगाल है और हम लोग इसे ईस्ट में देखते हैं, लेकिन इसका नाम वेस्ट बंगाल है। कंक्लूजन निकलता है कि इसका नाम इसी वजह से वेस्ट बंगाल है क्योंकि हिस्ट्री के टाइम पर इसके दो पार्ट थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसमें से ईस्ट बंगाल बन चुका है आज की डेट में बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल आज एज इट इज़ है, इसका नाम बदला नहीं गया। इसी वजह से वेस्ट बंगाल को ईस्ट में होते हुए भी हम लोग उसे वेस्ट बंगाल बुलाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी तरह इम्प्रूव करूं या फिर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उन सवाल का आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपकी अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे patreon.com/पीयूष भारद्वाज पर जाकर के सपोर्ट करते हैं कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी जाकर के मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।